Hi guys, a very warm good morning to all of you guys. How are you? I hope आप लोग सब सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे and same here also. Standard 4. Last day हमने आपको reader में half chapter पढ़ाया था और आज मैं आपको full chapter complete करने वाली हूँ. Before starting the chapter, I would like to say you that if you have any type of complaint, any type of questions, तो प्लीज आप कमेंट्स बॉक्स में अपने क्वेश्चंस जरूर डालें. अगर हमारे लिए पॉसिबल हुआ तो हम आपके सवाल का जवाब जरूर देंगे. एंड द मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स व्हाट यू ऑल हैव आस्क्ड मी आस्क्ड अस टू योर मैनेजमेंट ऑल्सो टू योर प्रिंसिपल मैम ऑल्सो यू हैव आस्क्ड टू टीचर्स ऑल्सो अबाउट बुक्स. तो गाइस ड्यू टू कोरोना वायरस लॉकडाउन इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट book from any shop because all shops are closed as you know very well. आपको भी पता होगा, parents को भी पता होगा, सारी shops, सारी book shops बंद हैं. तो अभी आपको किताब available नहीं हो पाएगी, लेकिन जितना तक हम लोग हो सकता है आपको कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ी बहुत भी आपको पढ़ाई करवा सके तो हम लोग करवाने के लिए पूरी जी जान से लगे हुए हैं. बस हमारी रिक्वेस्ट है कि हम जो आपको क्लास ऑनलाइन करवा रहे हैं प्लीज उसको आप ध्यान से देखिए, समझिए और गो थ्रू होइए. यूट्यूब में सर्च कीजिए, हर सब्जेक्ट्स के आपको टीचर्स की किताब नोट्स आपको मिल जाएगी और जो चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं उसके क्वेश्चन भी मैं आपको करवाऊंगी, सारे टीचर्स भी आपको क्वेश्चन से करवाएंगे. तो प्लीज आप ऑनलाइन पे हमेशा कोशिश कीजिएगा पढ़ाई से ही जुड़े रहिए, बाकी सारी फालतू बातें छोड़ के यूट्यूब में सिर्फ अपने या एपीएस का ग्रुप देखिए. सो प्लीज टू बी कंटिन्यू. जो हमने लास्ट पढ़ा था चैप्टर क्या था, माय फ्रेंड राम, चैप्टर वन माय फ्रेंड राम रिटन बाय रस्किन बॉन्ड. आई ऑलरेडी टोल्ड दैट ऑल दैट आल्सो आई हैव ऑलरेडी मेंशन यू द ऑथर नेम रस्किन बॉन्ड. तो ये जो स्टोरी थी एक बच्चे की, दो बच्चे की स्टोरी थी, एक बच्चे का नाम था रामू और जो ये खुद ऑथर जो स्टोरी बता रहे हैं, ये बच्चा जो है वो कह रहा है कि जब मैं छोटा था तो कैसे कैसे उसने एंजॉय किया अपनी लाइफ को. गांव में जैसे भैंस होती है, तालाब होते, पॉन्ड होते हैं, उस तालाब में उस पॉन्ड में कैसे भैंसे नहाती हैं, तो जो भैंस चराते हैं, जो बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो भैंस चराते हैं वो भी उसी तालाब में साथ साथ नहाते हैं. तो ये बच्चा अपनी स्टोरी बता रहा है ऑफ चाइल्डहुड, ऑफ हिज चाइल्डहुड. तो ये हमने आपको स्टोरी पढ़ाया था, आगे हम आपको जो पढ़ाने जा रहे हैं ध्यान से देखिएगा. मेनी बर्ड्स आर स्केयर्ड सेड रामू एज ए ब्लू जे स्विप्ट डाउन फ्रॉम द पीपल ट्री एंड कैरिड ऑफ ए ग्रॉस हुपर. ही टोल्ड मी दैट बोथ द ब्लू जे एंड लॉर्ड शिवा वर कॉल्ड नीलकंठ. एक चिड़िया होती है जिसका गला जो है वो ब्लू कलर का होता है. लॉर्ड शिवा यानी भगवान शिव जो है उसे नीलकंठ के नाम से बुलाते थे. शिवा हैड ए ब्लू थ्रोट, इसलिए अगर आप लोगों ने कभी देखा होगा शंकर भगवान की मूर्ति या फोटो, उनका जो गला है, उनका जो थ्रोट है वो ब्लू कलर का है, इसलिए जो ब्लू कलर का जो भी चिड़िया आपको नजर आएगा उसका नाम शंकर भगवान ने नीलकंठ रखा था. ठीक है. शिवा हैड ए ब्लू थ्रोट लाइक द बर्ड्स, चिड़ियों के जैसे उनका भी गला ब्लू कलर का था. बिकॉज आउट ऑफ कंपेंसेशन फॉर द ह्यूमन रेस ही हैड स्वेलन अ डेडली पॉइजन मेंट टू डिस्ट्रॉय द बर्ड. बच्ची ये स्टोरी ऐसी है जो शायद अभी आप नहीं समझ पाओगे, फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि ये दानव और देवता के बीच में जब एक बार लड़ाई हुई थी बहुत बहुत पहले, तो उसके लिए भगवान शिव ने, लॉर्ड शिवा ने विष पी लिया, यानी जहर पी लिया, यानी कि पॉइजन पी लिया था, और पॉइजन पीने की वजह से उनका जो थ्रोट था, उनका जो गला था वो ब्लू कलर का हो गया था. उन्होंने देवता की सुरक्षा के लिए, समझिए कैसे हमारे इंसानों की सुरक्षा के लिए उस समय उन्होंने जहर पी लिया था. ही हैड स्वेलन अ डेडली पॉइजन मेंट टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड. कीपिंग द पॉइजन इन हिज थ्रोट, अपने गले में उन्होंने जहर का पानी जहर पी लिया था. ही डिड नॉट लेट इट गो डाउन एनी फर्दर, लेकिन उन्होंने राक्षस को जीतने नहीं दिया. आई स्क्वेल स्केयर्ड आई आस्क्ड, क्या
गिरहरी डर गए थे, मैंने पूछा। लॉर्ड कृष्णा लव स्क्विरल, यहाँ तो शंकर भगवान के बारे में आपको मालूम चली क्या कि उन्होंने एक चिड़िया का नाम रखा था नीलकंठ, जिसका गला ब्लू था और शंकर भगवान का भी गला ब्लू था। और शंकर भगवान गला ब्लू क्यों था, क्योंकि उन्होंने जब दानव और राक्षस में लड़ाई हो रही थी तो उन्होंने जहर पी लिया था, विष पान की वजह से उनका गला जो है थ्रोट जो है वो ब्लू कलर का हो गया था। और अब कृष्ण भगवान के बारे में बताया गया, कृष्ण भगवान भी गिलहरियों से बहुत प्यार करते। सेड रामू, ही वुड टेक देम इन हिज आर्म्स, वो अपने पांव में हमेशा स्क्वायरल्स को रखते थे, गिलहरियों को रखते थे। एंड स्ट्रोक देम विद हिज लॉन्ग फिंगर, दैट इज व्हाई दे हैव फोर डार्क लाइंस डाउन देयर बैक्स फ्रॉम हेड टू टेल। इसीलिए भगवान श्री राम, यहाँ तो कृष्ण भगवान दिया गया, लेकिन हमने जो सुना था श्री राम भगवान ने गिलहरी के हाथ पे, गिलहरी के बॉडी पे उन्होंने ऐसे हाथ फेरा था, और जब हाथ फेरा था तो उनके हाथों का निशान गिलहरी के बदन पे, आपको गिलहरी को देखा होगा आपने, ऐसे स्ट्राइप्स टाइप के बने हुए हैं, तो वो श्री राम भगवान के ही हाथों के स्ट्राइप्स बने। तो यहाँ पे वही बताया गया, फोर डार्क लाइन्स डाउन देयर बैक्स फ्रॉम हेड टू टेल, पूंछ से लेके सर तक के उसको ऐसे फिंगर के निशान बने हुए, जो कि श्री कृष्ण भगवान, यहाँ पे मेंशन किया गया है श्री कृष्ण भगवान, श्री राम भगवान, श्री कृष्ण भगवान, भगवान तो सब एक ही हैं, राम कृष्ण, नो नीड टू डिफाइन यू, क्योंकि आपको भी सब समझ में आ रही होगी भगवान तो सब एक ही होते हैं। श्री राम भगवान ने हाथ फेरा या श्री कृष्ण भगवान ने हाथ फेरा, हेड टू टेल। कृष्णा वॉज वेरी डार्क, कृष्ण भगवान बहुत काले थे, आप सबको पता ही होगा। एंड द लाइन्स आर द मार्क्स ऑफ हिज फिंगर्स, और कृष्ण भगवान की ही उंगलियों के निशान गिलहरियों के बॉडी पर हैं। इट सीम दैट बोथ रामू एंड ग्रैंडफादर वेयर ऑफ द ओपिनियन दैट वी शुड बी मोर जेंटल विद बर्ड्स एंड एनिमल्स, नॉट किल सो मेनी ऑफ देम। ये देखा गया है, ये बताया गया है कि रामू और उसके दादाजी जानवरों के साथ या फिर बर्ड्स के साथ या फिर पशु पक्षियों के साथ बहुत ही प्यार से पेश आते थे और उन्हें कभी हार्म नहीं करते थे। इस स्टोरी का मोरल यही था बच्चे कि आप कभी भी किसी इंसेक्ट्स को, किसी भी जानवर को, किसी पशु पक्षी को बिना किसी वजह के आप परेशान न करो। नाउ इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट डेट वी रेस्पेक्ट देम, यही बहुत जरूरी है कि हम उनकी रेस्पेक्ट, उनकी इज्जत करें। सेड ग्रैंडफादर, दादाजी ने बोला, वी मस्ट एक्नोलेज डेट राइट्स ऑन द अर्थ, उन्हें भी हक बनता है, जैसे आप जमीन पर रह रहे हो उन्हें भी जमीन पर रहने का हक बनता है, उन्हें भी बराबर की उपाधि दी गई है। एवरीवेयर बर्ड्स एंड एनिमल्स आर फाइंडिंग इट मोर डिफिकल्ट टू लिव बिकॉज वी आर डिस्ट्रॉइंग देयर फॉरेस्ट, दे हैव टू कीप मूविंग एज ट्री डिसअपीयर्स। सब जगह पशु पक्षियों को, जानवरों को बहुत परेशानी होती है रहने जंगल में, क्योंकि हम जहां उन्हें, ह्यूमन बींग्स जहां उन्हें देखते उन्हें मार देते हैं। कभी हिरन को मारने की खबर हमारे पास आती है, कभी लॉयन, कभी टाइगर, हर कुछ दिनों पे किसी न किसी जानवर को मारने की खबर न्यूज में आती रहती है, जो कि बहुत गलत बात है। जैसे हमें जीने का हक है वैसे इन्हें भी जीने का हक है बच्चे। तो इस स्टोरी में आपको मेन यही बताया कि जानवरों से प्यार करो, और आपको क्लास 3 में भी हमने समझाया था कि जानवरों से हमें हमेशा प्यार करना चाहिए, बिना वजह कभी उन्हें परेशान उन्हें नहीं मारना चाहिए। रामू एंड आई स्पेंट मेनी ए लॉन्ग समर आफ्टरनून एट द पॉन्ड, रामू और मैं दोनों काफी गर्मियों की छुट्टी में दोपहर में काफी एक साथ समय तालाब किनारे समय बिताते थे। ओनली द बुफेलोज एंड द फ्रॉग्स एंड द सेरस क्रेन्स न्यू ऑफ आवर फ्रेंडशिप, सिर्फ बुफेलो भैंस या फिर मेंढक या फिर बगुला जिसे क्रेन्स कहते हैं न्यू हमारी दोस्तियों को जानते थे। दे हैड एक्सेप्टेड अस एज पार्ट ऑफ देयर वर्ल्ड, वो हमें जानते थे कि हम भी उन्हीं की दुनिया से, क्यों, क्योंकि हम उन्हें हरास उन्हें परेशान नहीं करते थे। दे आर मडी बट कम्फर्टेबल पॉन्ड, कीचड़, उस पॉन्ड में कीचड़ थी, वो जगह भी काफी कीचड़ वाली लेकिन काफी कम्फर्टेबल थी। एंड वेन फाइनली आई वेंट अवे बोथ दे एंड रामू मस्ट हैव अज्यूम्ड दैट आई वुड रिटर्न लाइक द बर्ड्स, जब हम लोग वापस आए तो रामू और वो सारे पशु पक्षी जरूर ये सोच रहे होंगे कि हम लोग वापस फिर से आएंगे उनसे मिलने के लिए। दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी, आई होप यू डू अंडरस्टैंड, यू मस्ट अंडरस्टैंड, स्टोरी आपको समझ में आई होगी बच्चे, और नहीं भी आई होगी तो प्लीज आप दोबारा देखिएगा यही इसी चैनल को, जितनी बार आपको समझने की कोशिश
करोगे आपके लिए उतना ही बेटर रहेगा। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर इसके एक्सरसाइजेस करवाऊंगी, और इसके लिए आपको हमारा नेक्स्ट वीडियो देखना होगा। अनलेस एंड अंटिल